सामने बंदा है, इसको मारते हैं, अकेला ही है, लूटने आ रखा है। देख लगाओ सारी गाड़ी, लगाओ सीधा स्लैम डाल दो, अकेला है और एक बग्गी खड़ी सिर्फ एक, मैक्सिमम दो होंगे, चढ़ा दो इसमें फटाक से, चार गाड़ियां स्लैम, धम धम आवाज है नीचे पूरी। ओ ये क्या हो गया भाई, मैं घूम गया भाई, मेरे को देखना जरा कोई। ओ भाई जग घूमे आ तो रे जैसा ना कोई। सर सही उधर गया फिर भी, एक एक गन पकड़ो और मारने के लिए तैयार हो जाओ बस। बहुत तगड़ा डोमिनेट करना पड़ेगा, लास्ट में तुम्हारे डिवाइसेस लैग होंगे, किल निकलेंगे नहीं, पहले निकालो निकल सकते हैं। Okay, so what is up, wanted army and welcome back to a new video. तो guys वापस से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले अपने टूर्नामेंट के एक और कमाल के गेम प्ले के बारे में। और हाँ भाई, ये अपना PMUC का थर्ड मैच था सेमीफाइनल्स का, एक्चुअली में ये तीन मैचेस का एक सीरीज था सेमीफाइनल्स में, जिसमें फर्स्ट मैच में ओनली 5 points, सेकंड में ओनली 9 points, और इसी के साथ हमारा थर्ड मैच डुअल डाई का मैच बन गया था। और एक्चुअली में इसमें सिर्फ टॉप 3 टीम्स क्वालिफाई होनी थी, और जो सेकंड और थर्ड टीम क्वालिफाई हुई उनके 39 points ईच थे। मतलब इस वाले मैच में अगर हम 2 points कम करते तो हम #4 पर भी आ सकते थे और हम शायद क्वालिफाई ना हो पाते। तो भाई ये मैच एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो भाई इसमें फुल डोमिनेशन, फुल किल्स, फुल IGL बाजी आपको दिखने वाली है। तो यहाँ पर होता है अपना एक छोटा सा फाइट, जरा देखो कैसे निपटाते हैं इस फाइट को। चार गाड़ियाँ स्लैम, धम धम आवाज है नीचे पूरी। टीम आसपास होगी इसकी, तैयार हो जाओ। फॉरेस्ट ले रहा हूं, टाइम नहीं है, मेरी बग्गी छोड़ देना, इसको मेरी बग्गी मत ले जाना। बंदे हैं ऊपर, ऊपर बंदे हैं, एक ही बग्गी खड़ी है ऊपर भी, उठाओ इसको, जाओ गाड़ी लगाओ, मैं कवर दूंगा इधर ऊपर, ऊपर यहीं पे अपना रेज, और कहां पे होगा, स्क्वाडोस भाग गया होगा, स्क्वाडोस भाग गया होगा बग्गी छोड़ के। लगा रहा मैं गाड़ी, आ गया, आ जा। डी कर रहा हूँ मैं, दूर से संभाल के बेली। प्रथम रव दे, प्रथम रव दे, इसका रव दे। वो एक ही बंदा है, ठीक है, अगेन उसको लेना पड़ेगा, उसे लेता हूँ, मैं लेता हूँ। एक बंदा मेरे साथ गाड़ी लगाओ, बाकी दो कवर दो, ड्राइव दो पहले इसको फटाक से। गाड़ी कौन लगा रहा है मेरे साथ, जल्दी बोलो। तुम्हारे आगे दो गोली लगी, लास्ट रो, आराम से ले इसको, वन वन ले जा, प्यार से प्यार से प्यार से, बस बढ़िया जाता है। अब गाइस आप में से जितने भी लोग कॉम्पिटेटिव खेलते हैं, स्प्लिट ड्रॉप्स लेते हैं, आप लोग को पता होगा कि इतनी अर्ली फाइट्स के टाइम पर अपने एक एक प्लेयर पता नहीं कहाँ कहाँ लूटने जा रहे होते हैं, और उसी का फायदा उठा के यहाँ पर हम एक प्लेयर को पकड़ के नॉक एंड फिनिश करते हैं, जिसकी वजह से पूरी टीम अनस्टेबल हो जाती है और इन लोग को काफी यहाँ पर हम वाइप आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ब्रिज की तरफ जा रहे थे, बिकॉज हमें जोन क्रॉस करना था इसी ब्रिज के थ्रू, लेकिन वहाँ पर अपना एक और फाइट हो जाएगा। अभी बंदे हैं ब्रिज पे, बंदे हैं पेट्रोल पंप, मारो जा रहे बंदे, बंदे मार इनको। ना ना फाड़ियो, फाड़ियो। एक नॉक, एक नॉक, एक नॉक, बने मारो सालों को, फिनिश हेड है, नेड करो, नेड करो, नेट भरो, 1 HP, लास्ट वन, लास्ट वन, लास्ट वन था, पुश कर रहा हूँ, पता नहीं आसपास नहीं है, आसपास नहीं है कोई, क्या कर रहे हो सर।
अब गाइस इसी के चलते यहाँ पर हम एक और टीम को कॉफीजली वाइप आउट कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास पूरे 8 पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते हैं और ऐसे करते करते हम इस मैच से 25 पॉइंट लेकर जाने वाले हैं। मतलब 25 से दो दिन ऊपर नीचे होगा और लिटरली भाई आपको आगे जाके बहुत मजा आने वाला है। बाकी गाइस अगर आप नए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज 30 के सब्स का गोल चल रहा है अपना। उसके अलावा चाहो तो आकर इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। अब अगर आपने ध्यान से सुना हो तो यार मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में इन लोग को बोल रहा था कि भाई स्टार्टिंग में फाइट्स निकालो, आगे जाके तुम्हारे डिवाइसेस लैग होंगे। उसका मतलब समझ रहे हो भाई, मेरी पूरी टीम एंड्रॉइड में खेलती है, लिटरली सिर्फ एबीएस और मेको छोड़ के। एबीएस ने आईफोन 11 लिया है, मेरा एक साल का पता आपको कैसे आया। बाकी भाई किसी के पास भी आईओएस नहीं है, सबको लैग फील होता है भाई। नोट 7 से लेकर रियलमी 3 प्रो तक में खेल रहे हैं मोदी और ब्लास्टर अपने, प्रथम भी ब्लैक शार्क में खेलता है। तो भाई ये बोलना बंद करो कि भाई प्रॉपर T1 टीम है यार, नहीं खेलते भाई हम T1 यार, टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आगे अच्छे प्लेयर्स आ जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि T1 लॉबी मिल गई, ठीक है। बाकी चलो हिटर्स तो बढ़ते रहने चाहिए, पता चलना चाहिए किसी की जल रही है, तभी तो आगे बढ़ने का मजा आता है। तो अब यहाँ पर बात करें भाई, हम शूटिंग रेंज के बगल वाले शेल्टर में आए थे और नीचे चल रही थी थोड़ी सी पार्टी, जहाँ पर अभी हम जाकर थर्ड पार्टी करेंगे। ये जो बंदा ओपन से स्नाइप कर रहा है ना, मेरे को इसको लेना पड़ेगा। काम करो, मेरे को एक बग्गी दो, बग्गी छोड़, मुझे मुझे डासिया दो, मुझे डासिया दो। एक एक बंदा बैठो, ब्लास्टर तू बैठा जा, तुम दोनों यहीं पर होल्ड करो, हमें बैक से कवर रखो, ठीक है? पीछे राइट से कवर रख मोदी, हाँ ऊपर से कवर रख जहाँ तूने स्मोक किया वहां से। डाल उसको पूरा डाल, मैं गाड़ी लेके ऊपर आजा, यहां पर आजा फटाक से, डाल दिया, चल 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 निकल 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 ले। नहीं नहीं नहीं, फॉल बैक, पीछे आजा, अंदर हो ले, अंदर हो ले, हो गया बस। ईएलवी के दो बंदे खत्म, एक और खत्म, ये फिनिक्स है, फिनिक्स बचा है। अगेन मेरे साथ एक बंदा आएगा, यूजी लेके जा रहा हूँ इस बार। कौन आ रहा है जल्दी बोलो, कौन आ रहा है जल्दी बोलो, एक बंदा बैठो, बंदे मार के आते हैं। हाँ अरे मैं बस ऊपर जा रहा हूँ, प्रथम जा रहा है मेरे साथ, तुम जोन लगाओ दो बंदे। अरे वाह गाड़ी फाड़ दी उन्होंने, छोड़ हो ही गया, जी जी हो गया। नीचे से किल दिखाएंगे ना भाई, किल उठाने में जरूरी है इस मैच में। प्रथम स्मोक कर गाड़ी के नीचे एक फटाक से, ये तो करने आया था मैं। तो कोई नहीं है, चल जोन बनाते हैं, जल्दी आ, अच्छा जल्दी आ, जल्दी आ, गैस निकाल। अब गाइस जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैं अपने दो प्लेयर्स को पीछे छोड़ के एक प्लेयर को दो बार आगे लेकर गया और वहां पर हम दो किल उठाकर लाए पूरे, और इससे क्या हुआ कि हमारा जो दो प्लेयर्स पीछे बैठे हैं हमें सपोर्ट रोल का यूज करते हुए हमें बैक क्लियर रख रहे थे और हम आगे जाकर किल्स भी उठा पाए। और शायद यही दो वो पॉइंट्स थे जिनके चलते हम शायद क्वालिफाई हुए थे, क्योंकि देखो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में सिर्फ दो पॉइंट का फर्क था, 39 और 37 का, जिसमें हमारे 39 थे। शायद हमारे दो कम होते तो हम फोर्थ पे आ जाते और क्वालिफाई ना कर पाते। खैर कोई बात नहीं, अब ये सब ना ही बोलना चाहिए मुझे, वो सही रहेगा। तो इस कंपाउंड में अगर हम होल्ड करते हैं, यहाँ पर मेरे टीममेट्स का कॉल आता है कि सामने दो डासिया का स्लैम आया है उस रिज के पीछे, तो वहाँ पर एक पूरी टीम आकर होल्ड करी थी। एंड मैं एक ऑफ एंगल बनाने के लिए अपनी टीम से थोड़ा सा अलग चला जाता हूँ। आप इस रोल को एज अ फ्लैंकर भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फ्लैंकर का जो मेन काम होता है अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन देना, सामने वाले को सरप्राइज देना और खुद सेफ रहना, बिकॉज अगर यहाँ पर वही प्लेयर नोक हो गया तो भाई बहुत बीटी हो जाती है, पूरी टीम एक तरफ फंस जाती है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आकर थोड़ा सा लेट जाता हूँ और मैं किसी को भी कोई फायर नहीं देता। एंड थोड़े टाइम बाद यहाँ पर जोन क्लोज हो जाता है और इसी के साथ हमारा आगे का फाइट्स निकलेंगे। मैं कॉल किया था, मैंने मेरे साथ दो स्मोक ले लियो, अब वो तेरी गलती है ना भाई मेरे। लगाओ जोन लगाओ, तुम आ जाओ, क्या कर रहा है प्रथम, वो पे लगा रहा गाड़ी मुझे, एंगल बनेगा मुझे संभाल।
मुझे देखो स्मोक चाहिए, मुझे बोलियो ठीक है, मैं स्मोक मैं तेरे को कर दूंगा, मैं कर रहा हूँ। फाइट हो गया इनका पीछे। Enemies ahead. डाल रहा हूँ। अरे पीछे से। Enemies ahead. Enemies ahead. अबे भाई। आजा आजा जल्दी आजा। मोदी को उठा रहा हूँ, मुझे कवर दे। अब हेल्थ किट किस किस को चाहिए? कितनी कितनी मैं बोल देता, पांच ले ले। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जोन ने हमें धोखा दे दिया था, मतलब जहाँ पर हम जोन के काफी ज्यादा बीच में थे, हम बिल्कुल एज पर आ गए थे और एक काइंड ऑफ छोटा सा हार्ड शिफ्ट लग गया था। तो जोन में जाना था, उसके अलावा टीम को बचाना था, पॉइंट्स निकालने थे, किल्स निकालने थे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं कुछ एक क्रूशियल कॉल्स दूंगा अभी अपनी टीम को। उसके अलावा लास्ट में बस एक छोटी सी बीटी हो जाएगी, सामने वालों पर काफी बड़ा रीच का एडवांटेज आ गया और हम लोग के पास कोई स्मोक नेट वगैरह कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर हम #2 के साथ इस मैच को फिनिश करने वाले हैं। अब जरा देखो आगे क्या फाइट्स निकलते हैं, कैसे गेम निकालते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंस्टा पर आकर फॉलो कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या। किला जा यहां, स्लैम दे ध्यान से, ठीक है बंदा निकलेगा, वहीं होल्ड करियो हमारे एंगल में और नेट भरियो। लेफ्ट में थे, बंदा है क्या? हां बंदा है, बंदा है। हां लेफ्ट में थे, आ रहा हूं। स्मोक है क्या? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब मेरे पे था, पता नहीं कहाँ से आया। पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा, पूरा पीछे जा, जा पीछे जा के लेट जा बस आराम से। हेल्थ मार, हेल्थ मार, हेल्थ भी नहीं लो भाई, सीन ही हो गया। नेट मिला, नेट मिला, हेल्थ गेट में रखा था आराम। बस मैंने लेफ्ट साइड जाने का ट्राई करेंगे, मेन दिक्कत वो है। नॉक कर सामने वाले को, अरे यार वो निकाल सकते थे अभी। पॉइंट्स 3 पॉइंट का लॉस किया ना हमने लास्ट में, चिकन होता था। होपफुली वी विल क्वालिफाई। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.